अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। आज हमारे साथ हैं नंदिता नारायण जी जो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर। प्रोफेसर साहब, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू जी। मैम, एक बात बताइए, आज पूरा देश जो है वो ईवीएम के विरोध में क्यों उतरा है, उसका क्या विशेष कारण है वो बताएं। देखिए, ऐसा है कि चुनाव के मामले में, जैसे कि जब आप सरकार चुनते हैं तो उसमें हर नागरिक का हक होता है कि वो एक फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना वोट जाहिर करे। एक ही हक होता है देश के जनता के पास कि वो कम से कम 5 साल में एक बार वोट डाल सके। तो ये जो तरीका अपनाया जाता है उसमें एक कंसेंसस होना चाहिए पूरे देश में, सारी पार्टी, सारे लोगों के बीच में, कि ये तरीका सही होगा जिससे हमारा चांस के जो एकदम फ्री एंड फेयर एंड करेक्ट एक वो जो रिफ्लेक्शन होता है जनता की विल का, वो मैक्सिमाइज करें ये चांसेस के वो उसमें एक भरोसे का एक मेथड हो। और इसमें जब से ये ईवीएम मशीन वाला जो शुरू हुआ, तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है, जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने सबने रियलाइज़ किया कि इसमें टैम्परिंग का बहुत स्कोप है और ट्रांसपेरेंसी नहीं, बिल्कुल ओपेक सिस्टम है, इसलिए ये डेमोक्रेसी के फ़ायदे में नहीं है और उन्होंने अबैंडन कर दिया। और इसमें बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ आर यूजिंग बैलेट पेपर, लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं, नाइजीरिया, वेनेजुएला, ये एकाद ऐसी कंट्रीज़ और इंडिया, ये अभी ईवीएम को ही यूज़ कर रहे हैं। इसके बारे में पहले जो आज की रूलिंग पार्टी है वो 2014 तक सबसे ज़्यादा शोर मचाती आई थी कि ये एकदम नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने पिटिशन भी डाला, एक जी नरसिम्हा राव हैं उन्होंने किताब लिखी, एल के अडवाणी ने फॉरवर्ड लिखा, मतलब बहुत बड़ा उनका आंदोलन चला और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा, जो जज सदाशिवम जी और जस्टिस गोगोई वो थे उस टाइम पे जज, कि ईवीएम भरोसेमंद नहीं है और इसलिए इसके साथ साथ एक पेपर ट्रेल ज़रूरी है जो एक रिकॉर्ड रखेगा कि एक्चुअली कहाँ वोट गया। और अगर एक भी कंस्टिट्यूंसी में कोई भी कैंडिडेट को इतराज़ होगा कि इसमें कुछ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी या कुछ शक है, तो सारे वीवीपैट जो स्लिप्स हैं वो गिनी जाएंगी क्योंकि वो पैरेलल रिकॉर्ड है वेरीफाई करने के लिए। वो था जजमेंट 2013 का। 2014 में ईसी ने लिखा नई सरकार को कि आप इसके लिए तुरंत फंड्स दीजिए। सरकार ने, मतलब यही रूलिंग पार्टी जो अब सरकार में आ गई, यही पार्टी, उन्होंने फंड्स पहले बहुत समय तक नहीं दिए, 2017 तक आए, उसके बाद जल्दी जल्दी ये सब ईवीएम मशीनें वगैरह चली। तो तब से ये कोई ना कोई डिस्क्रेपेंसी सामने भी आ रही हैं और हाल में तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रेपेंसीज आईं। इस बार आप देख रहे हैं कि जो सबसे मेजर डिस्क्रेपेंसीज वो ये हैं कि नंबर वन, 4 फेजेस में, जो 7 फेजेस की में, जो पहले 4 फेजेस में जो आंकड़े ईसीआई ने खुद अपनी वेबसाइट में डाले, उसके हिसाब से जो नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इलेक्शन एजेंट जो रिकॉर्ड करते हैं और नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड जो रिजल्ट में आता है बाद में, उसमें काफ़ी फ़र्क है, मतलब 18-20 हज़ार से ज़्यादा का भी कहीं कहीं फ़र्क है। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मशीन जब कैलकुलेट करती है तो इतना फ़र्क नहीं आ सकता। जो पुराने इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत जी जब उस टाइम पे कह रहे थे कि नहीं, टैम्पर प्रूफ वगैरह है, ऐसा नहीं है कोई टैम्पर होगा, लेकिन वो खुद कह रहे हैं अब रिकॉर्ड पे कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना जो फ़र्क आ रहा है और इसलिए इसका जवाब होना चाहिए। तो इसका मतलब गड़बड़ी काफ़ी है इसके वीवीपैट का काउंट करने को जस्टिफाई करने के लिए। 21 पॉलिटिकल पार्टीज जाके इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट में कहती हैं कि क्योंकि इतनी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बटन दबाने से सिर्फ कमल में जा रहा है, कई जगह इस तरह से डिस्क्रेपेंसीज आ रही हैं और बहुत सारी डिस्क्रेपेंसीज की वजह से कम 50% तो वीवीपैट गिनिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। वही सुप्रीम कोर्ट जो 2013 में कहती है कि अगर एक भी डिस्क्रेपेंसी आती है तो 100% वीवीपैट गिना जाएगा। क्या प्रॉब्लम है गिनने में? क्यों इतने हज़ारों करोड़ों रुपया खर्च करके स्लिप्स बनी हैं और उस स्लिप्स को देखा भी नहीं जा रहा है? सिर्फ 5 मशीन्स के स्लिप देखने से काम नहीं चलेगा? कौन सी 5 किसने सेलेक्ट की? कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, हमें क्या मालूम, हमें कोई भरोसा नहीं है अब किसी के ऊपर, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम बायस हो गया है, इलेक्शन कमीशन से लेके सीबीआई से लेके हर जगह ये बायस आ गया है और आम जनता को भरोसा नहीं हो रहा है। आम जनता के पास अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह की आवाज़ नहीं है, लिटरेसी नहीं है कि जाके वो बात रखे, लेकिन हर जगह गाँव में लोग कह रहे हैं कि ऐसा तो वोट हमने नहीं डाला था। तो इस सूरत हाल में जब इतनी सारी डिस्क्रेपेंसी सामने आई हैं, कई जगह ये भी आया है कि जो मशीन पे नंबर था वो भी बदला हुआ है
और बहुत सारे तकनीकी एक्सपर्ट्स ने बताया है कि ये हैकिंग हो सकती है, वो चिप अंदर होता है, उसकी वन टाइम मेमोरी नहीं होती, उसमें रीप्रोग्रामेबल है, वो वन टाइम प्रोग्रामेबल नहीं है, उसकी मेमोरी बदली जा सकती है। और ये सारे शक की वजह से, और जो पूरी दुनिया में नहीं यूज हो रहा है, हमारा डिमांड है कि एक तो ये वीवीपैट स्लिप सारी गिनी जाए इस इलेक्शन के लिए, और अगर डिस्क्रेपेंसी होती है तो उसको दोबारा से रीइलेक्शन होना चाहिए विद बैलेट पेपर। आप देखते हैं कि अभी कर्नाटका में फॉर एग्जांपल, अभी अभी एक हफ्ते बाद जो नगर निगम के सारे इलेक्शंस हुए तो पूरा का पूरा रिजल्ट उल्टा आया, जबकि अलायंस भी नहीं था जेडीएस और कांग्रेस में उस टाइम में, अलग अलग भी उनके नंबर वन, नंबर टू पे और नंबर थ्री पे बीजेपी है। तो क्या जनता का माइंड एकदम से बदल जाएगा ये कहना कि स्टेट के लिए अलग और वहाँ के लिए अलग वो? लेकिन आम जनता जो एक इलिटरेट जनता है और एक गट फील उनका, अगर कमल के लिए इतना ज़्यादा जोश होता तो क्या एक हफ्ते बाद वो जोश बिल्कुल ख़त्म हो गया? ये तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है, है ना। तो इसलिए, और अभी जो बाई इलेक्शन में भी रिजल्ट आ रहे हैं, राजस्थान में बीजेपी एक नंबर टू आ गई है, 8 सीट्स कांग्रेस को और 5 सीट्स बीजेपी को। हम चाहते हैं कि ऑपोजिशन पार्टीज, जहां पे अब बिखराव शुरू हो गया है, और जब इनको मालूम था कि बिखराव शुरू होगा रूलिंग पार्टी को और उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है और डिमोरलाइजेशन हो गया, तो ज़रा सा अपना रोल निभाएं वो ऑपोजिशन पार्टीज। जनता के जो दुख दर्द हैं, उनका हक है, और जो उनके कंसर्न्स हैं उनको आवाज़ दें, और अगर नहीं देंगे हम तो सड़कों पे रोज़ उतरेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपके पास वोट भी नहीं होगा तो कल को जनता के जो भी कंसर्न्स हैं, चाहे ट्राइबल्स का कंसर्न हो कि फॉरेस्ट उनसे छीना जा रहा है, चाहे दलित्स का कंसर्न हो कि रिजर्वेशन में प्रॉब्लम हो रही है, उनके साथ जो आए दिन लिंचिंग होती है, अल्पसंख्यकों का है कि उनके लिंचिंग जिस तरह से और ज़्यादा बढ़ गई है और उनके हक ख़त्म किए जा रहे हैं, NRC जो हर स्टेट में चलाना चाहते हैं और मुसलमानों को ये सिटीजनशिप उनकी छीनना चाहते हैं और कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डालना चाहते हैं, जैसे हो रहा है असम में, ये सब चीज़ें जो हैं। और भी हमारा जो हक है रोज़गार का, शिक्षा का, शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन का पूरा मॉडल आ गया हमारे सामने, कौन अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा, कौन इतनी महंगी फीस दे पाएगा, कहाँ टीचर हमारे पक्के होंगे, कहाँ हमारे देश आगे बढ़ेगा, ये सब कंसर्न्स। अगर आपका वोट भी नहीं है तो आपकी बात क्यों सुनेगी सरकार? आप कहीं भी वोट डालो, नतीजा कुछ पहले से फिक्स हो जाता है। अगर ये शक है हमारे दिमाग, मेरा हक एज अ नागरिक ये है कि मेरा वोट ट्रांसपेरेंट हो, जहां मैंने डाला है वहीं गया है। अगर ये चीज़ भी नहीं रहेगी तो डेमोक्रेसी, हम अपनी देश की डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। इसलिए सारे जनता को सड़कों पे निकलना चाहिए, ऑपोजिशन पार्टीज़ को खींच के लाना चाहिए कि आप अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए। अब यहाँ पे सेल्फ पिटी में वॉलो करने से नहीं होगा, है ना। जितना भी गड़बड़ किया उन्होंने, उसके बावजूद भी ये रिजल्ट मानने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। जितने भी फीडबैक हमारे, कई टीचर्स गए थे स्टेट्स में कैंपेन करने, जो फीडबैक वहाँ से लाएँ, क्यों जनता छिपाएगी कि वो अगर मोदी जी को वोट दे रहे हैं, वो तो ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे, जो नहीं भी दे रहे वो भी कहेगा कि हम देंगे, क्योंकि उन एक डर का माहौल है। लेकिन ये एकदम उल्टा होगा, ये तो किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया अंटिल एग्जिट पोल में भी सबने कहा ये कैसे हो गया, वो जस्टिफाई करने के लिए कि उसके बाद एग्जैक्टली वही वोट्स अगर आए हैं तो इसमें बहुत सारे शक की बातें हैं। और इसलिए इस आंदोलन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और जनता से अपील है कि वो इसमें साथ दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।